नमस्कार। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। आज की रेसिपी निधि गर्ग कलाकृति के हस्बैंड के द्वारा। आज रसोई उनके कब्जे में है, तो आज वो बनाने जा रहे हैं एक वन पॉट मील क्विक रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार। तो जुड़े रहिए निधि गर्ग कलाकृति से। सबसे पहले उन्होंने बेल पेपर्स लिए हैं, तीनों ही रंग के हैं उनके पास, हरे, लाल और पीले। उन्होंने उसको धो करके बारीक चॉप कर लिया है, साथ में एक बड़ा प्याज लंबा लंबा स्लाइस किया है, टमाटर को छिलका उतार के चॉप कर लिया है और ली हैं थोड़े करी पत्ते के, करी पत्ता। तो चलिए देखते हैं। पैन उन्होंने गैस पे रखा, इसमें डाला तेल, तेल थोड़ी अच्छी मात्रा में डाल रहे हैं। अब इसमें वो डालेंगे जीरा। ओ माफ़ कीजिए, देयर इज़ अ ट्विस्ट, उन्होंने जीरा नहीं यहाँ डाली राई। जब राई तड़कने लगे, भड़कने लगे, तब इसमें डालिए कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जब फ्राई हो जाए, तब इसमें ये जो लंबे लंबे कटे प्याज के टुकड़े हैं इनको डाल दीजिए। अब इन्हें ये भून रहे हैं जब तक कि थोड़े से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अभी ये चॉप्ड वेजिटेबल्स थी, बेल पेपर्स थी, वो उन्होंने इसमें डाल दी हैं। आप इसमें जुकिनी डाल सकते हैं, आप इसमें ब्रोकली डाल सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आप इसमें फूल गोभी भी डाल सकते हैं। इन सब्जियों को सॉटे कर लिया है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, अब जा रहा है इसके अंदर धनिया पाउडर। ये देगी लाल मिर्च है जो तेज नहीं है, चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है उन्होंने, अच्छे से मिक्स किया। जब मसाला थोड़ा भुन जाएगा तब थोड़ा पांच टमाटर डाल दिए। टमाटर को कोशिश करें हमेशा छिलका उतार के ही इस्तेमाल करें, तो डाइजेस्ट करने में आसान हो जाता है। अब इसको ढक्कन लगा देंगे और ये स्टीम में टमाटर जो हैं वो गल जाएंगे। जब तक ये सब्ज़ी तैयार हो रही है तब तक चावल की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि वन पॉट मील है। चावल उन्होंने पहले ही भिगा दिए थे। कुकर में उन्होंने घी डाला है, देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दो लौंग डाली हैं और वो डाल रहे हैं जीरा। लौंग डालने से चावल की बादी बन ख़त्म हो जाती है और उसमें फ्लेवर भी अच्छा आता है। हल्का सा नमक और अब इसमें डाल देंगे हम भीगे हुए चावल। अगर आपके चावल भीगे हुए हैं तो करीब डेढ़ गुना पानी डाल करके एक विसल लेकर के चावल आपके कुकर में तैयार हो जाएंगे। अब वो एक बोल में दही ले रहे हैं और उसको अच्छे से फेंट ले रहे हैं। इधर सब्जी चेक करिए, सब्जी भी उनकी ऑलमोस्ट तैयार है। जैसा मैंने कहा, हमें इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। लेट्स सी अब आगे क्या करते हैं। आपने ध्यान दिया था, इन्होंने उस वक्त नमक नहीं डाला था सब्जी के अंदर। ओप्स, अभी सारा दही इसमें डाल दे रहे हैं। गैस बिल्कुल मध्यम आंच पर है और इसको धीरे धीरे ये कंटिन्यूसली मिलाते रहेंगे। अच्छे से मिला, मुझे लगता है ये नमक डालना भूल गए हैं सब्जी के अंदर। देखिए दही एक सार, ओ ये नमक अब डाल रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि जब आप दही में सब्जी बनाते हैं तो नमक हमेशा बाद में डालिए, नहीं तो दही फट जाता है। वाह, आप इंटेलिजेंट। थोड़ा सा पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट किया।
जब तक इसमें हल्का सा बॉयल आता है तब तक चावल भी तैयार हैं। इन्हें खोल के देख लेते हैं। वाओ, क्या खिला खिला राइस बना है प्रिसीशन के साथ। इधर हमारी ये दही की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त कलर, कितना ज़बरदस्त टेस्ट। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। एक फ्लैट बोल लीजिए, उसमें आधे में राइस डालिए और आधे में ये सब्ज़ी डालिए। देखिए इसका स्वाद या इसका टेस्ट तो आपको तभी पता चलेगा जब आप बना के इसे खाएंगे। सो टू कुक इट, टू एंजॉय इट। एक वन पॉट मील इजी रेसिपी थ्रू निधि गर्ल्स हस्बैंड। जुड़े रहिए निधि गर्ल कलाकृति के साथ। और प्लीज़ 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 हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।